अरे बच्चों, आज हम इंग्लिश रेनबो क्लास 4 का लेसन 13 लवली सीजन्स पढ़ेंगे। लवली सीजन्स माने प्यारे मौसम, ठीक है, जो सुंदर सुहावने मौसम होते हैं ना, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी। हमारा साल का जो पहला महीना होता है वो जनवरी का होता है, फॉलोड बाय अ कोल्ड एंड फॉगी फेब्रुअरी। उसके बाद क्या आती है, हमारी ठंडी और फॉग वाली फरवरी आती है, ठीक है, कोहरा वाली फरवरी आती है। देन कम्स मार्च विद स्प्रिंग। तब बसंत ऋतु के साथ मार्च का महीना आता है। एंड इन अप्रैल ब्लॉसम्स एवरीथिंग, और अप्रैल में सारी चीजें खिलने लगती हैं, ठीक है। मे एंड देन जून आर वेरी हॉट। उसके बाद मई और जून बहुत गर्म होते हैं। उसके बाद मई और जून के महीने बहुत गर्म होते हैं। इन जुलाई एंड अगस्त वी सी रेन ड्रॉप्स। जुलाई और अगस्त के महीने में हम देखते हैं कि बारिश की बूंदें पड़ती हैं, अर्थात बारिश होने लगती है। इन सितंबर, सितंबर इज द 9th एंड द 10th अक्टूबर। सितंबर 9वां महीना होता है और अक्टूबर का 10वां महीना होता है। लीव्स फॉल्स एज ऑटम एंड्स इन नवंबर। जैसे ही हमारा पतझड़ का महीना नवंबर में खत्म होता है, पत्तियां गिरने लगती हैं। द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज इजी टू रिमेंबर। और किसी भी साल का जो अंतिम मंथ होता है उसे याद रखना बहुत आसान होता है। क्रिसमस कम्स इन द 12th मंथ, दैट इज दिसंबर, क्योंकि क्रिसमस 12वें महीने में आती है और वो दिसंबर का महीना होता है। मुझे आशा है प्यारे बच्चों आप इसे पढ़ेंगे और इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है, और थैंक यू सो मच। इसके क्वेश्चन आंसर अभी मैं कराता हूँ।